नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टिकवाड़े यूट्यूब चैनल। मैं अतुल कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसका अब जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उसे आप कैसे अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। इसमें पेमेंट कब करना है और उसके बाद आपका एडमिशन कब होगा और आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में शो हो रहे बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि पाए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको टाइप करना होगा EAU प्रवेश। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर ये लिखने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाती है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है आपको एडमिशन 2019, तो आपको इसी पे जाना है। तो इस पे जाने के बाद सॉरी, आपको इस पे नहीं जाना है, यहाँ से कट करना है। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस, मेल सर्विस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीट, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद सो अब आपको यहाँ से सो यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन 2019 का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिसका भी आपको डिटेल्स निकालना है, जैसे मान लीजिए IPS LLB, BA LLB, होन्स, UGAT, CERT, PGAT, जो भी आपका निकालना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे मान लीजिए हमको UGAT का निकालना है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और प्रोसेड पे क्लिक कर दिया। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है इशू ऑफ नोटिफिकेशन एडवांसमेंट, तो यहाँ पर सब कुछ है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड डेट, तो यहाँ से देखिए 3 मई तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट स्टार्ट डेट 12 अप्रैल, तो यहाँ से जो भी है सब कुछ। तो लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रोशर है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक PDF फाइल बोलेगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए फाइल डाउनलोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो में स्किप नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा फाइल डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद तो यहाँ पर देखिए पहले इंग्लिश में दिया है, तो लेकिन नीचे आने के बाद ये पेज देखिए PDF फाइल है, तो यहाँ पर दे टोटल 27 पेज है। तो यहाँ पर पहले इंग्लिश में है, उसके बाद नीचे आपको हिंदी में आएगा। तो यहाँ पर यदि इंग्लिश से में आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश पढ़िए, नहीं तो यहाँ से हिंदी में भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय UG-AT 2019, तो यहाँ पर हमने UG-AT का खोला है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है, इसे आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम नीचे आते हैं सीधे, तो यहाँ पर लिखे महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ वक्त, फॉर्म जमा करना ऑनलाइन, तो यहाँ पर यह है। यहाँ पर देखिए प्रवेश परीक्षा की तिथि अभी नहीं आई है, लेकिन BA FABPA सोमवार से बुधवार, BSc सोमवार से बुधवार, BCom 27 मई से 29 मई, उसके बाद BSc गृह विज्ञान 20 मई से 22 मई, सोमवार से बुधवार। तो देखिए परिणाम की घोषणा 10 जून से 15 जून के बीच में होगी, उसके बाद प्रवेश प्रारंभ है जो जून के तीसरे सप्ताह से होगा। तो यहाँ पर लिखा है इस कोर्स से में प्रवेश हेतु तो अलग से अलग परीक्षा नहीं होगी, या फिर तो परीक्षार्थियों को BA कोर्स में प्रवेश हेतु तो सुनिश्चित प्रवेश परीक्षा में ही सम्मिलित होना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस विषय के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यही आपको पास करना है। यदि आप पास हो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं उसे आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन फॉर्म में आपको ऑप्शन रहेगा अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि कॉलेज की ओर से हैं, तो यहाँ पर सब कुछ अपना पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी पेज में है, तो आप सब कुछ पढ़ लीजिए।
सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के।